मॉर्निंग टू ऑल। मैं के सिंह, स्वागत है आपका KVS सारो दिल्ली लाइव में। आज हम लोग बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट होता है सरफेस केमिस्ट्री, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या सीख जाएंगे इससे, तो आप में इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा एडजॉर्प्शन के बारे में, कैटालिसिस के बारे में और कोलाइड्स के बारे में और एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, ये इसका मेन टॉपिक्स है। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फेनोमेना दैट अकर एट द इंटरफेस of the two phases including solid liquid interfaces, solid gas interfaces, solid vacuum interfaces and liquid gas interfaces, means it is the study of science of surface phenomena. So the subject of सरफेस केमिस्ट्री इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस नॉट ओनली फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस टू टर्म, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। सो फर्स्ट विल डील एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं बेटा। जैसे आपके पास स्पंज देखा होगा, स्पंज को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो क्या होता है कि आपको दिखता है कि जो स्पंज है यदि दूर से देखें तो गीला नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो गया, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एब्जॉर्ब होने वाले मटेरियल्स थे जिनको हम एब्जॉर्बेट कहते हैं, तो वो क्या हुआ कि यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन। दूसरा, सुबह सुबह चाय हम लोग जब पीते हैं तो देखो बिस्किट जब डिप करते हैं उसके अंदर, तो आप जैसे डिप करते हो अंदर तक पूरा टी कंपोनेंट जो उसके अंदर है एब्जॉर्ब हो जाता है, और यदि आप ज़्यादा देर रख दोगे तो आपका बिस्किट नीचे भी घुल करके नीचे चला जाएगा, ये भी एक एब्जॉर्प्शन का फेनोमेना है। तीसरा देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको गुलाब जामुन खाने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मम्मी को बोलिए बनाने के लिए, और जब गुलाब जामुन बन जाए तो उसको बेटा बीच से दो टुकड़े कर दो और देखो कि वो जो मम्मी तुम्हारी चाशनी में उसको डिप करी है वो ऊपर भी है और अंदर भी है, मतलब दोनों ही तरफ, बल्क में भी और सरफेस में भी, तो वो किसका एग्जाम्पल बन रहा है बेटा, एब्जॉर्प्शन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चॉक यूज करते हैं ना बेटा, चॉक देखा होगा आपने, वाइट चॉक, और यदि उसको इंक में डिप कर दें और फिर निकाल लें तो देखोगे कि पूरा एकदम उसके ऊपर इंक का जो ब्लू कलर में डाला तो ब्लू, ब्लैक में तो ब्लैक, ये कलर आ गया है, लेकिन उस चॉक को तोड़ दो दो टुकड़े, अंदर देखो फिर वाइट ही है। इसका मतलब जो इंक का जो कलरिंग मैटर है डेट इज एब्जॉर्ब ओनली ऑन द सरफेस नॉट इन द बल्क, तो ये आपका क्या हो गया, फेनोमेना बदल गया, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या आ रहा है, ADSORPTION, तो देखो यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, बस यही अंतर है। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इज ए फेनोमेना इन विच ए मॉलिक्यूल्स गेट यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब
एज वेल एज सरफेस एज इन द बल्क, बट इन एडजॉर्प्शन द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स गेट्स एडजॉर्ब ओनली एट सरफेसेस। ठीक है, अब जो ये वर्ड जो बोल रहे हैं बेटा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इसको समझ लो अच्छी तरह से। जैसे सॉल्यूशन में आपने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के मिलकर के क्या बन रहा था, सॉल्यूशन। तो यहां पर जैसे हमने बात करी स्पॉन्ज का, और वाटर की बात करा था, तो वाटर क्या हुआ, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब किसने कर लिया, स्पॉन्ज ने कर लिया। तो इसको क्या बोलोगे, एब्जॉर्बेट, और इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। ये अंतर है, देखो ये एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर स्पॉन्ज के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेट। और किसने किया एब्जॉर्ब, वाटर को स्पॉन्ज ने किया, तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से फिर से सीख लेते हैं। जैसे हमारा जो टी और बिस्किट का एग्जाम्पल था आपने देखा, तो क्या हुआ कि वहां पर जो टी हमारा है एब्जॉर्ब हुआ था किसमें, बिस्किट में, तो बिस्किट क्या है, एब्जॉर्बेंट, टी क्या है, एब्जॉर्बेंट। सो हमें लग रहा कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरह से बेटा यहां पर हम लोग बात करेंगे एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ये देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा ये इंक था, और इसके अंदर हमने क्या किया था, चॉक डिप कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये जो आपने अब चॉक निकाला, इस चॉक के ऊपर ये ऊपर में ये इंक मटेरियल लगा हुआ है, तो जो इंक मटेरियल लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और किसने एडजॉर्ब किया इंक को, तो चॉक पार्टिकल ने, तो ये जो चॉक लिया था वो क्या है बेटा, एडजॉर्बेंट। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लें, मान लो कि आप टेबल पर पढ़ाई करते हैं और देखते हो बेटा आकर के बहुत सारा धूल जो है उसके ऊपर छा जाता है, एकदम एडजॉर्ब हो जाता है, तो क्या धूल अंदर जाता है टेबल के अंदर, नहीं, तुम एक बार साफ करते हो फिर वो साफ हो जाता है। तो इसका मतलब डस्ट पार्टिकल्स इज एडजॉर्बेट एंड योर टेबल सर्फेसेस इज एडजॉर्बेंट। तो हमें लग रहा है कि ये टर्म आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हमने आपको एब्जॉर्प्शन में किस तरह का डिफिनीशन बताया, जैसे टी बिस्किट का, स्पॉन्ज वाटर का, है ना, गुलाब जामुन का, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, ये सर ने बोल तो दिया लेकिन अभी चलो खुलता है तो खिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल और ये एडजॉर्प्शन का एग्जांपल। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट है ये एडजॉर्प्शन, तो हमें पढ़ना क्या है, हमें तो टॉपिक में एडजॉर्प्शन पढ़ना है, लेकिन हमने कंपैरिजन किया कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब ये होता क्यों है, थोड़ा सा यदि इस पर विचार करें, तो एक लिक्विड का सरफेस हम लोग ले लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। एक लिक्विड पार्टिकल है, इसके अंदर देखो एक मॉलिक्यूल्स है, जो इस तरह का फोर्स एग्जर्ट करता है, लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह का, तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स इसका किधर बन रहा, डाउनवर्ड बन रहा है।
डाउनवर्ड फोर्स बनने से क्या होता है कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स आर बैलेंस्ड, सो दीज अनबैलेंस्ड फोर्स आर अट्रैक्टिव फोर्स एंड दीज अट्रैक्टिव फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्ड द सरफेस मॉलिक्यूल्स। यदि कोई सरफेस के पास आता है तो उसको वो अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अनबैलेंस फोर्स के कारण तो ये सॉलिड में भी होता है और ये लिक्विड में भी होता है, क्योंकि लिक्विड के भी जो सॉलिड का जो पार्टिकल है बेटा वो भी यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है बल्क में, लेकिन सरफेस पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि ऊपर साइड उनका कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ भी अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, और जब फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तो आप समझिए कि रेसिडुअल फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप एडजॉर्प्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे आप कि द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग ऑन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग बेटा ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं, आपको चौक से पढ़ाते हैं, तभी हमने ब्लैक बोर्ड से यहाँ पर कुछ लिखा और इस पर वो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल है इंक का या चौक का वो आ गया। तो यदि आपको पूछते हैं कि राइटिंग ऑन द बोर्ड कैन यू कॉल द एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्प्शन बोलोगे उसको, क्या आंसर होगा तुम्हारा? बोलेंगे नो, इट इज नॉट एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि ये बल्क में थोड़े गया, अंदर में नहीं गया, ठीक है, अंदर में नहीं गया। अब एक केमिकल एग्जाम्पल सपना लेते हैं जो डेली लाइफ का आपको लिया, जैसे देखो वाटर वेपर, जैसे घर में अभी अब बरसात का दिन आएगा तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए डिह्यूमिडाइजर जो होता है वो सिल्का जेल या अल्मुना जेल यूज करते हैं। और कई बार तुमने एक वो पैकेट देखा होगा जब आप नए शूज खरीद के लाते हैं, नए आप सूट वगैरह खरीदते हैं तो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक पैच बना करके एक वाइट कॉटन के बैग में वही जेल रखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यदि उसके अंदर कोई ह्यूमिडिटी आता है तो उसके अंदर फंगस वगैरह लग सकता है, तो आपके लेदर शूज को बचाने के लिए उसमें उस तरह से रखा रहता है कि क्या करे वो ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब हम लैब के अंदर डेसिकेटर्स वगैरह यूज करते हैं तो उसके अंदर एनहाइड्रस CaCl2 होता है, तो एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है, इमीडिएट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अपना फेस वो ऐसा नहीं होता कि अंदर नहीं आता, बल्क में भी चला जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन है, और ये एड्जॉर्प्शन है। अब एक कॉमन एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हो कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन क्या हुआ। मैंने बताया कि वाटर वेपर ही हमारा क्या है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है। तो यहाँ पर किस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन को किया, तो जब सिल्का जेल और अल्मुना यदि हम लेते हैं तब जो वाटर वेपर उसके ऊपर एड्जॉर्ब होता है, लेकिन जब हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब बताओ कि ये आपका कोई सरफेस प्रोवाइड करने वाला है, सॉलिड सरफेस है, इस पर कोई गैस एक्युमुलेट हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, एडजॉर्बेट, और इसके जो मॉलिक्यूल्स है इसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एंड द सब्सटेंस एडजॉर्ब एट द सरफेस इज नोन एज एडजॉर्बेट। जैसे मैंने आपको एक सिंपल धूल का एग्जांपल कर दिया, या अभी एनहाइड्रस सिल्का जेल और हमने इसकी बात करी वाटर वेपर की, तो बेटा वाटर वेपर क्या होगा, एडजॉर्बेट, और सिल्का जेल क्या होगा, एडजॉर्बेंट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। अब आप जानते हो कि जो हमारा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है इसमें इंट्रैक्शंस होते हैं, तो
तो इंट्रैक्शंस के कारण कुछ एंथैल्पी चेंज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो एडजॉर्बेंट एडजॉर्प्शन तो जब एडजॉर्बेंट के ऊपर मिल जाते हैं तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है और इसमें इंट्रैक्शन होता है। तो ये जो मैंने बोला अनबैलेंस फोर्स के कारण, लेकिन इसमें एक थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट भी लगता है। और यदि हमको कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज इसेंशियली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि कभी कभी केमीजॉर्प्शन इंडोथर्मिक भी होता है, ठीक है। लेकिन जनरल क्वेश्चन आता है तो जनरल यदि हम बात करें तो एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो बेटा, थर्मोडायनामिक्स से कैसे समझेंगे, आपको थर्मोडायनामिक्स किसी भी स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया के लिए डेल्टा जी बताता है कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस। मतलब बेटा क्या मतलब, ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है विथ इनिशिएशन और विदाउट इनिशिएशन, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस। आपने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है इसको, तो निगेटिव होगा तब। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इट इज द बेसिक सोल ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। कहते हैं कि यही इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स का एक तरह से आत्मा है। तो अब हमने इसको समझना है कि ये देखो, आपका कोई सॉलिड सरफेस था, इसके ऊपर कोई गैस आकर के एडजॉर्ब हुआ। तो आप बताओ बेटा, गैस जो पहले मूव कर रहा था, नहीं एटमॉस्फेयर में पूरा मूव कर रहा था, अब आकर के इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गया है। तो अब बताओ एंट्रोपी कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो डेल्टा एस लोगे आप, चेंज इन एंट्रोपी, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो क्या कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या था, वो घूम रहा था पूरा, मतलब मोड डिसऑर्डर फॉर्म में था, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा था, नहीं तो एंट्रोपी यदि बहुत ज़्यादा था तो अब आप आकर के उस पर चिपक गया है, बैठ गया, तो उसका जो रैंडमनेस है क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल बहुत ज़्यादा है, फाइनल आपका कम है, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, ये निगेटिव आ जाएगी। और बेटा निगेटिव मल्टीप्लाई क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और यदि ये भी पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी निगेटिव कैसे बनाओगे। नहीं देखो, फिर से समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इसका एकदम बैलेंस्ड जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, इसका मैग्नीट्यूड कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अब देखो कि गैस के बिफोर एडजॉर्प्शन से पहले जब गैस ज़्यादा मूव कर रहा था तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा था, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा था। अब जब आपने इसके ऊपर ये एडजॉर्ब हो गया आकर के, तो इसका मूवमेंट क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो आप डेल्टा एस क्या करेंगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे तो निकालोगे आप एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो इनिशियल आपका बहुत ज़्यादा था तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो डेल्टा एस का साइन कैसा आ गया बेटा, निगेटिव आ गया। ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट यू नो एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सो इफ इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। तो यदि मस्ट बी निगेटिव, सो डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए हमारा जो डेल्टा एच है वो वैल्यू क्या होगा, हमारा यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको
कि एडजॉर्प्शन इज इसेंशियली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप इसको इस तरह से बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कि ये तो आपके मैकेनिज्म आपने समझा। अब देखो ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसको तो एडजॉर्प्शन बोलते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा तो क्या नाम बोलेंगे? तब नाम बोलेंगे डिजॉर्प्शन। इस टर्म को देखिए, उल्टा है, रिवर्स है एडजॉर्प्शन का। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन कैसे होता है? जैसे हीट कर दो, प्रेशर को रिड्यूस कर दो, तो क्या होगा? डिजॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब एडजॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जो एडजॉर्प्शन हमारा था इसके रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि यदि यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। और जब एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट अलग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? डिजॉर्प्शन। अब एक टर्म और सीख लेते हैं इसी पर, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, और मैं फिर लास्ट में आपको सारा चीज टर्म दोहराऊंगा, तो आप सोच के रिकॉल करके रखिएगा और मुझे बताना आपको। सॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या होता है बेटा? कि इन सर्टेन केसेस द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इन सच केसेस द टर्म सॉर्प्शन इज यूज्ड। मतलब कई बार आपको लग रहा है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या साथ साथ हो रहा है, या आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? टर्म सॉर्प्शन। तो एक बार इन तीनों को फिर से देख लेते हैं। ये है आपका एडजॉर्प्शन, ये है डिजॉर्प्शन, ये है सॉर्प्शन। तो कब बोलोगे एडजॉर्प्शन? कि व्हेन एन एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब ऑन ए सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट द फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन एंड दिस रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। एंड व्हेन इन सच केसेस, इन सर्टेन केसेस व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड इट इज नॉट easily distinguishable, then the term sorption is used। ठीक है, अब जो हमने यहां तक किया है तो एक बार बेटा adsorption और absorption में थोड़ा सा difference देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे types of adsorption में। So क्या कह रहा है कि the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of a solid or a liquid is called absorption। But in absorption, the molecule of a substance are present in higher concentration at the surface of the substance, that is adsorbent। और example हमने सीख लिया था बेटा कि water vapors are absorbed by anhydrous CaCl2, MgCl2 or ZnCl2, these are all very very deliquescent material, so it can absorb moisture, water vapor easily, and water vapors are absorbed by silica gel। So these are the difference। So हमने mechanism भी सीख लिया कि किस तरह से हम ये process होता है, और आपने एक unbalanced force के कारण क्या होता है कि जो एक attracting force आता है जिसके कारण surface किसी भी molecule को retain करना चाहता है, और हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अब हम लोग सिर्फ एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन आर एब्रीवेशन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन आर एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। So there are two type of adsorption, फिजिजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन। तो
यहाँ से लिया बेटा फिजी, यहाँ से जॉर्प्सन, ये टर्म हटा दिया, ये टर्म हटा दिया और इसको यहाँ से एग्रीवेट कर देते, फिर यहाँ से ऐसे, तो ये केमी जॉर्प्सन और ये फिजी जॉर्प्सन, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो याद रखिएगा कि दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजी जॉर्प्शन, और केमिकल एडजॉर्प्शन और केमी जॉर्प्शन। नाउ इन फिजी जॉर्प्शन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टूगेदर ओनली बाय वीक वेंडरवाल फोर्सेस, वीक वेंडरवाल फोर्सेस मतलब इसमें थोड़ी भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गैस आकर के उस सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो जाता है, कोई उसके लिए स्पेसिफिसिटी नहीं है कि यही गैस आएगा तो एडजॉर्ब होगा, ये नहीं आएगा तो एडजॉर्ब नहीं होगा। सो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है बेटा कि वीक वेंडरवाल फोर्सेस हैं इसके अंदर, मतलब किसके बीच, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं उनका नेचर वीक वेंडरवाल फोर्स है। बट इन केमी जॉर्प्शन देर इज ए केमिकल टाइप ऑफ बॉन्ड, वेदर इट इज कोवेलेंट और वेदर इट इज आयनिक, मे बी आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। सो देर आर टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इन फिजी जॉर्प्शन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टूगेदर बाई वीक वेंडरवाल फोर्सेस, इन दिस केस एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टूगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन, पहले मैं फिजी जॉर्प्शन का देखता हूँ, फिर फिजी जॉर्प्शन। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, व्हाट डज इट मीन, कह रहा है कि कोई एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आकर के उसके ऊपर क्या होता है एडजॉर्ब हो सकता है, तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो ये यहाँ पर आप देखते हो कि जैसे वो गैस अमोनिया है या HCl है या SO2 है या H2 है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोई गैस आएगा और एडजॉर्ब हो जाएगा क्योंकि उसको वीक वेंडरवाल फोर्स से अटैच होना है। सो इट इज लैक ऑफ स्पेसिफिक। रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर का मतलब कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन चलता रहता है। जैसे ये सॉलिड गैस इस फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या बोलोगे, एडजॉर्प्शन, और इसको क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या लिखोगे, गैस स्लैश सॉलिड, इसी तरह से लिखते हैं। तो मतलब ये क्या है एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर स्लैश के बाद लिखा एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो यहां पर साथ में हीट भी निकलेगा कुछ, क्योंकि फॉरवर्ड प्रोसेस में हीट रिलीज होगा। तो देखो इन दोनों के बीच क्या है, रिवर्सिबल नेचर का है, मतलब कि थोड़ा सा भी, जैसे अभी हमने बोला कि डिजॉर्प्शन कब होता है, कि जब हम प्रेशर कम कर लें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारा क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हो या कोई पोरस सब्सटेंस हो तो वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो जिसमें वो मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आ रहा है इंटरेक्ट होने के लिए, यदि उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और फिजी जॉर्प्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजी जॉर्प्शन में आ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट्स, सो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड पोरस सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड ट्रीटेड एज ए गुड एडजॉर्बेंट, बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। और
एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या होता है एंथैल्पी? अच्छा बताओ एंथैल्पी और एनर्जी में क्या अंतर होता है? क्या एंथैल्पी एनर्जी ही है, लेकिन कब? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि आप एक फिक्स टेम्परेचर की बात करते हो कि एट 300 केल्विन, एट 1 bar प्रेशर, मतलब आप स्पेसिफाई कर देते हो, वही एनर्जी आपका एंथैल्पी हो जाता है। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय एडजॉर्बिंग 1 mole ऑफ ए एडजॉर्बेंट ऑन दिस सर्फेस, तो उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। सो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो। व्हाई इट इज लो? बिकॉज इंट्रैक्शन इज वीक नेचर, वैंडरवाल फोर्सेस, सो इट इज ओनली 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज, ओनली 20 to 40। और यही रीजन है कि ये रिवर्स भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्स बहुत वीक नेचर का है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसमें बेटा? फिजी जॉब्स। अब चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमी जॉब्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमी जॉब्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी मीन्स इट इज हाईली स्पेसिफिक, मीन्स एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पेयर हैज स्पेसिफिसिटी। जैसे आप देखते हो कि किस एलिमेंट का किसके साथ बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड में हरेक रिएक्टेंट हरेक मतलब सबस्ट्रेट से मिल करके प्रोडक्ट नहीं बना देता। ठीक इसी तरह से बेटा कि जो एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट है, यदि उनके बीच कोई बॉन्ड बनने की संभावना है तब होगा, तो इसीलिए ये हाई स्पेसिफिसिटी होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है और इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इरिवर्सिबल क्यों? क्यों इरिवर्सिबल? क्योंकि यहां पर देखोगे कि इरिवर्सिबिलिटी इसलिए बात कर रहे हैं कि यहां पर जब एक बार केमीजॉर्प्शन हो गया तो अब डिजॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो केमिकल बॉन्ड बन चुका है। अब केमिकल बॉन्ड बन चुका है तो अब आप उसको उतना ज़्यादा हीट दे करके या उतना एनर्जी दे करके यदि आप डिकम्पोज करोगे तब वो हटेगा, मतलब अपने आप रिवर्स नहीं होने वाला है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल नेचर का भी होता है। और थर्ड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर यह डिपेंड करता है, यदि मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो इसमें इनका रेट भी ज़्यादा तेज हो जाएगा, और केमीजॉर्प्शन भी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। और इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हुआ है, तो इसमें करीब करीब 80 to 240 किलो जूल पर मोल निकल जाता है, कहीं कहीं केस में 400 तक चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला होता है। दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। फिजी जॉर्प्शन एंड केमी जॉर्प्शन, सिर्फ पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन फिजी जॉर्प्शन इट इज एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस,
मीन्स वेंडरवाल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, और यहां पर क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स में कौन सा फोर्स लग रहा, केमिकल बॉन्ड बन रहा। तो इन फिजी जॉर्प्शन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस, वेंडरवाल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। इन केमी जॉर्प्शन देर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इट इज नॉट ए स्पेसिफिक इन नेचर, किसी के साथ किसी का एडजॉर्प्शन हो सकता है कोई, और इट इज हाईली स्पेसिफिक, मतलब जिनके साथ बॉन्ड बनने वाला होगा तभी बॉन्ड बनेगा, स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत हाईली स्पेसिफिक है। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, इट इज रिवर्सिबल, मतलब जैसे ही कंडीशन टेम्परेचर को बढ़ा दिया, प्रेशर को घटा दिया, तो हमारा डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हर हमेशा इस कंडीशन में चलते हैं, और ये क्या है, इट इज इररिवर्सिबल। इस केस में यदि हम लोग चलें तो कह रहा है लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन। क्यों ऐसा बात किया बेटा, अभी हमने बात की थी यहां पर कि ये जो रिवर्सिबल होता है, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिजॉर्प्शन की तरफ हमारा एक्शन शिफ्ट हो जाता है, और इनको चाहिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जाके कई बार आप देखेंगे कि फिजी जॉर्प्शन केमी जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ऐसा एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो यहां पर याद करो हम लोग पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी, तो कह रहे हैं इनको कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए इनको। लेकिन यहां पर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए समटाइम्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए और इसमें चाहिए। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी लेयर। और ये क्या होगा बेटा, मल्टी लेयर्ड होगा, नहीं, इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमॉलिक्युलर या मोनो लेयर, इनटू यूनिमॉलिक्युलर लेयर। इसको समझ लेते हैं जरा सा, मल्टी लेयर्ड और जैसे तुम्हारे टेबल के ऊपर धूल आया, तुमने एक दिन नहीं साफ किया, फिर दूसरा लेयर आ गया, फिर तीसरे दिन भी तो भूल गए, तीसरा लेयर भी आ गया, क्योंकि स्पेसिफिक तो है ही नहीं, तो वो अब एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है एडजॉर्बेंट, आ रहा है लेयर पर लेयर बनता जा रहा है, तो मल्टी लेयर्ड हो गया। लेकिन जो ये स्पेसिफिक था, तुम्हारा ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट आया तो इसका सरफेस क्लोज हो गया, तो अब तो वो ऑक्युपाइड हो गया, ऑक्युपाइड हो गया तो सिर्फ क्या होगा, यूनिलेयर्ड होगा, ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इसमें हमने बेटा क्या सीखा था कि काफी कम होता है, 22
40 किलो जूल पर मोल, और इसमें क्या होता है केमी जॉर्प्शन, इसमें 82 टू 40 तक जाता है। अब मैं बात कर रहा था, एक बार मैंने आपको बोला था कि ये इंडोथर्मिक भी हो सकता है। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल निकाला गया ढूंढ करके कि जो इंडोथर्मिक है? सो केमी जॉर्प्शन मे बी इंडोथर्मिक। कब? कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इंडोथर्मिकली एडजॉर्ब्स ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर ये प्रोसेस बेटा इंडोथर्मिक हो जाता है। एक बार रब करने से पहले एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं कि देखो ये वीक फोर्सेस होता है, ये स्ट्रांग फोर्सेस होता है। वीक मतलब बेटा लंदन फोर्स और वेंडरवाल फोर्स, तो ये आपको लर्न ही हो जाएगा, इतनी बार मैंने बोल दिया स्ट्रांग फोर्सेस केमिकल वन। ये इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक, मतलब इनका किसी के प्रति, मतलब सभी के स्वागत में ये खड़े हैं, लेकिन ये किसी फिक्स जो है उसी के प्रति इसका एफिनिटी होता है और हमें केमी जॉर्प्शन होगा। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। इसमें लो टेम्परेचर इनका फेवरेबल कंडीशन है, इसमें हाई टेम्परेचर। इसमें अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें एनर्जी समटाइम्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी लेयर्ड भी आप समझ गए और यूनी लेयर्ड भी। तो मैं क्या बोला था आपको कि केमी जॉर्प्शन मे बी इंडोथर्मिक। सो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब इंडोथर्मिकली ऑन ग्लास, इन दिस केसेस डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस, जो हमारा एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, यहाँ पर देखो H2 गैस ये ग्लास के ऊपर आया, जानते हो क्या हो गया 2H ग्लास, मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में चला गया। और आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था अब एटम में चला गया, तो जो 2H ग्लास हो गया तो इसमें रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। अब रैंडमनेस बढ़ गई तो कह रहा है कि इज सफिशियंटली लार्ज, सफिशियंटली पॉजिटिव टू ओवरकम द स्मॉल पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज। अब आ जाओ फिर उसके ऊपर, ये पॉजिटिव हो चुका, तो यही तो था हमारा इक्वेशन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये आपका प्लस रह गया तो ये माइनस हो गया, तो यदि ये प्लस हो भी जाएगा तो हमारा क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब हमने सीखा कि इंथैल्पी जो केमी जॉर्प्शन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे प्रोसेस इंडोथर्मिक है, है ना। तो इस तरह से आप इसको जो है ये देख सकते हैं कि हमारा हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, मैंने क्या बताया था आपको, एसेंशियली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन अभी आपको मैंने ये भी बताया। तो बेटे ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आ जाए तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन जब ग्लास पर आता है तो ऐसा प्रोसेस होता है और वो एंडोथर्मिक होता है। अब एक चीज और हम इम्पोर्टेंट शेयर करते हैं आपसे कि जैसे बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन आयरन एट 83 केल्विन, बहुत लो टेम्परेचर है, एट 83 केल्विन नाइट्रोजन इज फिजी एब्जॉर्ब्ड ऑन आयरन सरफेसेस एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो क्या होता है कि एडजॉर्ब हो जाता है, तो वो फिजी जॉर्प्शन है। यदि हम रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, एट रूम टेम्परेचर प्रैक्टिकली देयर इज नो एडजॉर्प्शन, न फिजी जॉर्प्शन न केमी जॉर्प्शन, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आयरन का सरफेस है, इसके ऊपर नाइट्रोजन गैस यदि आता है और 83 केल्विन, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा बेटा, फिजी जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। और आयरन फिर N2 के ऊपर आया एट रूम टेम्परेचर हुआ, मतलब 298 केल्विन ले लो, नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस।
मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि देखो सेम प्रोसेस है, यदि हम कंडीशंस चेंज करते हैं तो हमारा फिजिजॉर्प्शन केमीजॉर्प्शन में चेंज हो जाता है एट एट सेवन थ्री केल्विन। ये ऐसे आयरन के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बना दिया इसके साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, केमीजॉर्प्शन। तो बेटे देखिए, मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लाया आपके लिए कि आयरन यदि 83 केल्विन पर है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में आयरन के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है और कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक वैंडरवाल फोर्स से जुड़ा है। कह रहे रूम टेम्परेचर पर दी नाइट्रोजन गैस आयरन से इंट्रैक्ट भी करता है तो नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, बट एट हायर टेम्परेचर इट बिकम्स फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना रहा है और आपका ये केमीजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक्स देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन of gases on solids। तो आज हम लोग बताते हैं आपको कि कौन कौन सा प्रोसेस है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डील करेंगे। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट मीन्स एडजॉर्बेट कैसा है, गैस कैसा है। तो गैस यदि इजिली लिक्विफिएबल होगा, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, आप जानते हैं ना कि द टेम्परेचर एबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे अमोनिया SO2 HCl ज़्यादा होता है, वो गैस ज़्यादा एडजॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पर भी डिपेंड करेगा। और जो परमानेंट गैसेज जिसके आप बोलते हैं H2 N2 है ना, ये गैस कम एडजॉर्ब। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यदि आपके पास वैसा एडजॉर्बेंट है जिसके पास पोरस सरफेस है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, इस पे भी आपका डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, और टेम्परेचर, ठीक है, जिसको पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार में। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम वन बाय वन डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज बच्चे हमने क्या स्टार्ट किया था, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने दो टर्म के बारे में काफ़ी स्पेसिफाई किया आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था बेटा, कि एब्जॉर्प्शन था कि जब आप कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे स्पॉन्ज और वाटर का एग्जांपल बताया था मैंने आपको, है ना, गुलाब जामुन का एग्जांपल बताया था इस तरह का, और कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर वाटर वेपर का आना, ये सब एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एडजॉर्प्शन में हमने देखा कि रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल मोर एट द सर्फेस दैन इन द बल्क, तो उसको बोलते थे एडजॉर्प्शन। इसके बाद हमने पढ़ा उसके जो प्रोसेस रिवर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। और जब आपको इजिली डिस्टिंग्विश नहीं होता है कि एडजॉर्प्शन है एब्जॉर्प्शन है, तब हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी को हमने किया, और फिर हमने टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन किया, फिजिजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक था, क्या डिफरेंसेस थे, ये सारा चीज़ हमने देखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डील करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड कैटालिसिस प्रोसेस। थैंक यू।